वेलकम। आज हम देखने जा रहे हैं हाईलैंड पार्क, जो कि लोकेटेड है हाई ग्राउंड रोड के ऊपर जिरकपुर में। ये प्रोजेक्ट टोटल 23 एकड़ की इंटीग्रेट टाउनशिप है, जिसमें आपको स्टिल्ट प्लस 3 स्टोरी लो राइज और स्टिल्ट प्लस 11 स्टोरी 2, 3 और 4 बेडरूम के मल्टी स्टोरी फ्लैट अवेलेबल है। ये पूरी की पूरी टाउनशिप रेडी टू मूव है, जिसमें 700 प्लस फैमिली ऑलरेडी रह रही है। और इसका क्लब और क्लब की सारी फैसिलिटीज इस समय ऑपरेशनल है। बाकी इसमें फुल फंक्शनल इंटरनल मार्केट, वो भी ऑपरेशनल है, जो कि आप देखेंगे। अभी हम इस हाईलैंड पार्क के सेंट्रल पार्क में खड़े हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 1 acre की साइट है। यह लश ग्रीन पार्क है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए राइड, बाकी ओपन एयर एम्फीथिएटर और लैंडस्केपिंग इसकी बहुत ही हाई क्वालिटी की हो रखी है। और बाकी सभी जो फ्लैट हैं रेजिडेंट टावर, सबको इस सेंट्रल पार्क का व्यू ऑटोमेटिकली मिल रहा है। जैसे गजीबो देख रहे हैं आप, जो कि 10,000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग है, ग्राउंड एंड फर्स्ट 2 स्टोरी। इसके अंदर एक बड़ा पार्टी हॉल है, बाकी सिटिंग एरिया है फॉर स्टडी रूम, बाकी बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया और एडल्ट के लिए बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट है। एक इसमें बड़े साइज का स्विमिंग पूल ऑपरेशनल है। बाकी इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न सभी मॉडर्न फैसिलिटीज से ऑक्यूपाइड जिमनेजियम है और बाकी लोकल रेजिडेंट के लिए यहाँ पे कैफेटेरिया है। अभी हम देखने जा रहे हैं हाईलैंड पार्क का सेंट्रल फ्लैट, जो कि 2180 स्क्वायर फीट का 4 BHK फ्लैट है, 4 bedroom 4 washroom। ये हम इसका मॉडल देख रहे हैं, एज इट इज सेम, इसी ढंग से ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। जी हम फ्लैट के हमने फ्लैट के अंदर एंटर किया, आप इसमें देख सकते हैं कि एथनिक लुकिंग वाला मेन डोर है, एंट्रेंस लॉबी, एंट्रेंस लॉबी के बाद हमने सीधा एंटर किया ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में जो फॉल्स सीलिंग प्रोवाइडेड रहेगी, बाकी ड्राइंग डाइनिंग और सभी बेडरूम में एसी की प्रोविजन हम करके दे रहे हैं। डाइनिंग रूम एक बड़े साइज का डाइनिंग रूम है। देन मॉड्यूलर किचन एज इट इज प्रोवाइडेड है, जिसमें चिमनी प्रोवाइडेड रहेगी,
बाकी जो इसके सभी जो कपबोर्ड हैं वो एज इट इज ही रहेंगे विद डबल वॉल सिंक। ये किचन से अटैच बालकोनी जो कि सर्विस बालकोनी है, इस बालकोनी में ही आपकी वॉशिंग मशीन की प्रोविजन है। और यहाँ से एक चीज और खास मैं बताना चाहूंगा कि ये 4 BHK फ्लैट का जो 4th बेडरूम है इसकी एंट्री बाहर सेपरेटली है, तो इसको आप एज ए ऑफिस स्पेस या एज ए सर्वेंट रूम कैसे भी यूज कर सकते हैं। ड्राइंग डाइनिंग को देखने और किचन को देखने के बाद हमने एंटर किया इसके गेस्ट बेडरूम में। गेस्ट बेडरूम में एज इट इज कपबोर्ड प्रोवाइडेड रहेंगे, वॉल सीलिंग एज इट इज रहेगी। इस बेडरूम के साथ इसकी सेपरेट बालकोनी है जो कि गेस्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम दोनों से अटैच है। देन जो गेस्ट बेडरूम का वॉशरूम है ये गेस्ट बेडरूम और ड्राइंग डाइनिंग दोनों को कैटर करेगा। वॉशरूम एज इट इज रहेंगे सेम जो फॉर सेंट्री फिटिंग टाइल्स जो भी इसका भी सेम रहेगी। साउंड आ जाता बीच में। अब हमने एंटर किया है इसके सेकंड बेडरूम जो कि चाइल्ड बेडरूम है। इसके अंदर इस बेडरूम के साथ भी इसका सेपरेट वॉशरूम प्रोवाइडेड है। वॉशरूम का स्टैंडर्ड एज इट इज रहेगा और इस बेडरूम के साथ अटैच बालकोनी जो एक बिगर साइज की बालकोनी है जैसे कि आप व्यू में देख रहे हैं। इसके बाद हम एंटर कर रहे हैं मास्टर बेडरूम के अंदर जो कि एक बड़े साइज का बेडरूम है। फॉल सीलिंग जैसे कि पहले बताया सब में एज इट इज ही प्रोवाइड रहेगी। ये इसके साथ ड्रेसिंग रूम और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। वॉशरूम का आप देख रहे हैं कि काफी बड़े साइज का है। मास्टर बेडरूम के साथ जो बालकोनी है जो कि मैंने पहले ही बताया था कि ये बालकोनी मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम दोनों के साथ ही अटैच है।